आप क्या बना रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ लोडेड फ्राइज। लोडेड राइस फ्राइज, लोडेड फ्राइज। ओके, अच्छा फिर इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी बताएं। अच्छा यहाँ पे मैंने आलू जो है ले लिए हैं, फ्राइज जोर से बताओ, समझ में आलू है आलू भाई फ्राइज मैंने ले लिए हैं, पैकेट वाले लिए हैं मैंने है। आप लोग वैसे भी जो घर में आलू आते हैं उसको कट करके मैं उसका प्रोसेस बता दूंगी कि किस तरह से उसको बना सकते हैं। उसका जो लाइट होता है वो भी बता सकते हैं हम, कि जैसे आपने आलू लिए उसको बॉइल करना पड़ता है, थोड़ा सा काटा लाइटली बॉइल करें, लाइट बिल्कुल लंच करना पड़ता है उसको, फिर फ्रीज कर लें, फिर निकाल के उसको उसके अंदर कॉर्नफ्लोर लगा के और फिर उसको फ्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही टेक्सचर आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो हमने पैकेट वाले फ्राइज दिए। यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है जो हम फ्राइज को फ्राई करने के बाद ऊपर से डालेंगे। इसके अंदर हम टिक्का मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको कुक करेंगे, फिर हम उसका सॉस बनाएंगे। उसमें मेयोनीज है, यहाँ पे मेरे पास चिपोटले सॉस है और मेरे पास यहाँ पे केचप है, ये सारी चीजें मिक्स होंगी। चिकन टिक्का जब हम बना रहे होंगे चिकन को, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी मैं उसी वक्त ऐड कर दूंगी हल्का सा सौते करने के लिए। यस, तो ये छोटी सी रेसिपी है हमारी और मजेदार सी रेसिपी। मेरा मकसद था इजी रेसिपी है। मैं सच्ची बताऊं कि हमें वाकई हम जब किचन में जाते हैं ना तो हमें एक तो हमें तलो नजर आता है सामने, हमारा चूल्हा सामने होता है और ऐसी चीजें रखी होती है, बाकी तो मसाले का है, फिर चलो ढूंढो भाई ढूंढो तो फिर सिलसिला जुड़ जाता है, कभी कहीं से मिर्ची पकड़ो, कहीं से आपने केचप उठाया, कहीं से प्याज उठाया, ये काटो, फिर किचन का जो हशर होता है वो साफ सुथरा काम पहले से सारी चीजें निकाल के किचन साफ करके थोड़ी देर बाद आए तो फिर आपको लगेगा अरे मेरी सारी चीजें साफ। अच्छा मनाजा, किसमें बना रही हैं आप? तलो कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर वैसे तो रख दिया था पहले से फ्राई करने के लिए, लेकिन अभी जो हमने चिकन का कीमा बनाना है, आपने जो लास्ट टाइम में पास्ता तैयार किया था मैक्रोनी, जो थी मैक्रोनी मुझे बड़ी याद आती है, कब खाएंगी दोबारा? इंशाल्लाह जब आप बोलेंगी तब मैं खिला दूंगी आपको। मैं तो कहती रहती हूँ, कहने से क्या फर्क पड़ता है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है, खिलाता ही नहीं। अच्छा ये ऑयल जब तक यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो रहा है, हो चुका है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी अच्छी हो रही चल रही है। ये चिकन का कीमा, इसके अंदर मैं बस ये मसाला मिक्स कर रही हूँ, मसाले जो जो डालती जा रही है वो बताती जाए आप अपने हिसाब से। ये है चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला भाई, आज मतलब चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन टिक्का मसाला आ गया, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक क्योंकि ऑलरेडी इस मसाले में मौजूद होता है तो उसको ज्यादा जरूरत नहीं है नमक की, थोड़ा सा डाला है बस। मैं एक बात बता दी चलूँ आपको लाइव के मुन्नाजा के हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत टेस्ट है, बहुत कम कदर लोगों के हाथ में टेस्ट होता है, बना तो सब लेते हैं। आप अभी भी कहीं यूट्यूब पे जाएंगे इधर उधर आपने रेसिपी सीखी तो आप कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन असल बात होती है टेस्ट की, कि आप पकाएं तो किसी को खाने में अच्छा भी लगे, हम तो यहाँ पे चट कर जाते हैं। नहीं बहुत अच्छा बनाती है, और कल भी जो रेसिपी बनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी, छो तो असा खाइंदा आयो है ते असा आयो ता मन जा के सुठो थी ठाए वाकई में हाथ में टेस्ट रथस। चलो ये मिक्स हो गया, इसको मैं डाल रही हूं। अच्छा आज भी पता है मुझे यहाँ पे नहीं आने दे रहे थे, बोला आप वहाँ पे बैठे हैं, हमारे मेहमान बैठे हैं, सामने बैठी हैं, सामने देखें भी वहीं से बात करें, मैं कहा नहीं आज मेरा दिल चाह रहा है मैं मुन्नाजा के पास जाऊंगी, क्योंकि हमारे देखने वाले तो हमें लाइव देख रहे हैं यहाँ से, एफबी से भी हमें लाइव देख रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे बहुत आवाम है, बहुत डेस करती है। अच्छा जेके भी लाइव ॾिसो पिया तो बुधाजो तो असि रेसिपी की है, शैला कि लगी रही है, सभा कि लगी रही है। अच्छा कमेंट जरूर कर, अगर तक कुछ खाणो है ना चटपट हो मनाजा जैसे जो, तो तक बुधा सोता या सजेस्ट कर सोता तो हि भी पचाओ, हि भी ट्राई कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मनाजा एक और भी रेसिपी मैं आपसे पूछती चलूँ, आजकल वो बड़ी बाहर भी मिलती है और बड़ी फेमस है, उसमें भी इसके फ्राइज का ही थोड़ा सा सिस्टम होता है ऐसा कुछ, इसको पहले बनाते हैं फिर उसके ऊपर चीज और ये चीज डाल के फिर उसको बैक करते हैं, पिज्जा फ्राइज, बहुत वो भी कभी ट्राई करें। ये भी जो है उसी की तरह से है, हैं? उसी की तरह से, लेकिन हम इसको बेक नहीं करेंगे, सिर्फ बैक नहीं करेंगे और इसके अंदर हम चीज नहीं डाल रहे, चीज की जगह हम ये सॉस डाल रहे हैं, सॉस डाल रहे हैं, उसमें भी डलता है। जल्दी से घर जाऊं और मैं जो है आप लोगों के लिए तो बना के चली जाती हूँ, वहाँ पे भी कुछ बनाया तो फरमाइश वहाँ पे भी होती होगी, आप कहेंगे मैं वहाँ भी पका के आती हूँ, यहाँ भी पका के आती हूँ, आखिर मुझे क्यों तंग किया सब लोगों ने। शेफ की यही होती है कि बस शेफ जो है ना जहाँ भी चला जाए, चाहे रिश्तेदार में वञो, अगर कंहिंखे सुठो पचाइण ईंदो आहे ना, चवनि यार हिन जी रेसिपी सुठी आहे, हिन जे हथ में ज़ाइको आहे, तू पचाए रे, तू पचाए, माना ये मस्केबाजी भी वरी करे वठंदा आहिनि ऐं वरी पचराए भी वठंदा आहिनि। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं ऊपर से डालूं, ओके ओके, गार्निशिंग के लिए। यस,
वैसे भी इसको ज्यादा कुक नहीं करूंगी क्योंकि फिर इसका कलर जैसे आपने बोला कि अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा मजे की बात बताऊँ कि मैं शाश्वत को ये चीजें बनाती हूँ ना घर पे, ये भी घर पे ट्राई करती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ बहुत, मोस्टली हमारा घर में खाना होता है। मतलब हम जब भी जाते हैं तो बाहर फैमिली के लिए हफ्ते 15 दिन में चले जाते हैं, मून है कभी दावत है तो वो सिलसिला अलग होता है, लेकिन घर में पकाते तो उन पे भी मैं इन चीजों का कलर मेरा फेवरेट है। अच्छा ये हो गया रेडी, यहाँ पर इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ और हम इस तलो कुकिंग ऑयल जिसमें हम बनाएंगे फ्राइज इसको इस तरफ कर देते हैं। वाओ ओके ठीक है फ्राइज हाने तैयार थिंदी हूं मजो मजो हाने दो ता आलू जके मुर्गी जो कीमो आए है इन में बसर ऐड कया हुआ है आए इन में शिमला मिर्च ऐड कया हुआ है। वाओ सो ये दही चोकी तैयार है और मुखे भी इलाही समझ में अच्छे थी तो मां भी घर में टाइम दम। अच्छा मैं यहाँ पे जब तक ऑयल गरम हो रहा है इसका सॉस बना लेती हूँ। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मेयोनीज लिया था उसके अंदर। ओके ये आपके काम में है अभी जी दोनों? ये थोड़ा सा यूज होगा इसके अंदर, थोड़ा सा यूज होगा ठीक है इसके अंदर। अन्या मतलब लून केचप एंड जो के ही असा वट शिमला मिर्च बारीक सा कटियल ये अन्या इस्तेमाल थींदा डिफरेंट स्टाइल अव मायोनीज़ खणंदा आयो। मायोनीज़ के हमेशा घणे कदर माण्हू सिंपल पसंदि कंदा आहिनि उहे खाईंदा आहिनि, लेकिन मायोनीज़ में केचप बि विधो आहे, मायोनीज़ में ये कौन सी थी चिपोटले सॉस आहे। ओके सॉस आहे हिकिड़ी ॿी बि हूअ सॉस ईंदी आहे न अहिड़ी सेम जेका रेड कलर जी हूंदी आहे चिली सॉस। चिली सॉस नहीं 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 चिपोटले सॉस अलग है चिली सॉस अलग है। तू एक बार मैसेज कर देना नाम तो मैं भूल जाऊंगी। चिपोटले चिपोटले ओके चिपोटले सही। इसको हम यहाँ से बाल थोड़ा सा छोटा सा है कोई मसला नहीं है। अच्छा अगर कोई चटनी ना खाना चाहे तो हम ऐसे ही रेसिपी को कर सकते हैं एंजॉय। हम इसके ऊपर लोडेड फ्राइज बना रहे हैं ना तो फिर इसके ऊपर ये सारी चीजें डलेंगी। ओके ये भी डलेगा सॉस भी इसके ऊपर डलेगा। वाह उसके बाद हमारी आज है थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया, मैंने देखा भी नहीं। सही बात है क्योंकि ये बहुत एक एडी रेसिपी उठाई थी तो मानो दिल को खुश थी वने तो ऐसा खबर को पाई थी हां ये भी ऐसा घर में शेयर ट्राई कर सकूं ता छो तो इंग्रेडिएंट्स एडा मुश्किल ना है। हां भाई सबसे पहली बात सबा को या मुझे ये जो आपने भी सॉस डाला चिपोटले सॉस है चिपोटले देखा उसने कुछ अलग बोला मैंने कुछ अलग बोला ये चिपोटले अलग से चिपोटले अलग से है चिपोटले सॉस है इसमें बारबेक्यू सॉस भी यूज कर सकते हैं। चिपोटले सॉस चिपोटानी मठी है मजे आलू तैयार से चिपोटानी करके आ रही है इजी है याद करने में चपाट चपाट। अच्छा वो सही आप लोग इसको याद करें तब तक मैं सॉस चिपोटले आपको सिंधी याद नहीं होती है हमारी बातों में उसकी सॉस तैयार होगी बिल्कुल। इसके अंदर बस थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी उससे थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। ठीक है ठीक है इसको या ऑलरेडी मेयोनीज़ भी तो थोड़ा सा नमकीन टेस्ट देती है तो उस वजह से। अच्छा नहीं मेयोनीज़ वो दूसरी वाली होती है जो सॉल्टी होती है। ओके एक दूसरी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं फ्लेवर्स में जो होते हैं ना उस तरह से भी होते हैं। आपने इसमें कौन सी उठाई है वो तो बता दे हमने नॉर्मल प्लेन प्लेन वाली है प्लेन वाली उसके अंदर थोड़ी सी स्वीटनेस ज्यादा होती है। मनसा ने बनाया था वो अलग है वो कौन सा है आप सारे सॉसेस हमें मैसेज कर दो। अच्छा ये हो गया है यहाँ पर गरम तो मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ कि हो भी गया है गरम या हो गया हो गया हो गया ऑलमोस्ट गरम है ऑलमोस्ट गरम तलो गरम थी वयो है तलो में असा जी फ्राइज पची रही हुआ है नमा तलो में पका डाल देती हूं मैंने आपको कहा गरम हो गए हैं तलो असा जो किचन पार्टनर आ है तलो में हर वक्त फ्राइज पची रही हुआ है। ठीक है वाओ जब मैं स्पून से डालूंगी तो वो बड़े बड़े से जो है ना लाइक पूरी तरह जगह पे नहीं आएंगे तो मैं इसको बॉटल से डाल रही हूँ ताकि अब पता चला कि ऐसी वाली जार में कौन सा सॉस देते हैं। आप समझ में आ गया ये सॉस ठाइंदा है ये सॉस ठाइंदा है लाजमी ना सर सब खबर पाउंदी थी वने मुन्ना सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भाई शेफ मतलब कुछ खबर पाउंदी आ है छो मां चवे शेफ लाइक अ एक्सपर्ट लाइक अ ना बिल्कुल एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही होना है। तो दरअसल घर में तो किए ब करे पचाए दा वणो ही मसालो न मिले तो मुझे तो मैं कर दे दियो आप अपना पर ही जे शेफ खड़े खड़े हम कुछ काम करते चलते पचाने के वक्त लाई एहतियात करना है शेफ ये मिक्स हो जाता है बड़ी चीजें किचन में हम ट्राई कर रहे होते हैं इनका मिक्सअप का बड़ा हमें टकते हैं
अच्छा जी, देखने वाले देख रहे हैं हमारा ये जो लाइव यहाँ से आवाज टीवी से आवाज टीवी लाइव ट्रांसमिशन हलूँ है रहमत रमजान रहमत रमजान में अज की जगह रेसिपी है साहे चिपेट वाला चपेटो मानू भी चंदा सच में मशहूर कर चला चपेट फ्राइज पची रहे हैं पर फ्राइज को जो डिफरेंट है अज जी के सारे फ्राइज पची रहे हैं ओएन चपेटो फ्राइज चपेटो फ्राइज नहीं नहीं शेफ जावाद आया नहीं चपोटले फ्राइज चपेट चप यार छदी से लगी चपोटले फ्राइज हां चपोटले फ्राइज थोड़ो समझ चपोटले अच्छा चपाट ना चपोट ना बाबा चपोटले ना वही चपाट ना चपोट ठीक है अच्छा ये पता है चपाट हम क्या कह रहे हैं थप्पड़ मतलब चिपोटी चिपोटी सुन रही है लेकिन उसके बावजूद को ये नहीं पता कि वो थप्पड़ कहते हो गया मिक्स कर दिया मैंने जब आपने लगाना हो तो आप अपने हिसाब से चलो जी बेहतरीन अच्छा इसको दोबारा रेसिपी मुझे दोबारा थोड़ा सा एक बार आप रेसिपी रिपीट कर दें और बहुत आसान है बहुत अच्छी है अच्छा चिकन का कीमा था उसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया और उसको मिक्स कर लिया है फिर हमने तलो कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में डाला उसको थोड़ा सा गर्म किया है उसके अंदर जो मसाला जिसमें हमने चिकन डाली चिकन में जिस मसाला डाला था उसको हमने डालना है पैन के अंदर और उसको थोड़ा सा पकाना है जब वो थोड़ा पक जाए उसके अंदर हमने प्याज डालनी है और शिमला मिर्च डालनी है इसको ज़्यादा नहीं पकाना है अगर ज़्यादा पकाएंगे तो शिमला मिर्च का कलर हट जाएगा और प्याज भी बहुत ज़्यादा पक जाएगी और हमें थोड़ी जाएगी तो वैसी नहीं रहेगी जैसे आपको दिख रही है थोड़ी सी क्रिस्पी और क्रंची सी जो है ना वो चाहिए हमें वेजिटेबल्स ठीक है ये हमारा ऊपर से जो टॉपिंग है वो रेडी हो गई फिर हमने इसका सॉस बनाना है सॉस बनाने के लिए मेयोनीज दिया था उसमें चिपोटले सॉस ऐड किया है और इसमें केचप ऐड किया है चिली गार्लिक ठीक ये तीनों चीज़ें मिक्स करनी है और फिर इसको आप किसी सॉस की बॉटल में डाल के रख लें घर पर भी बना के रख सकते हैं इसको फ्रिज में चल सकता है जब भी आपको बनाना हो आपके पास रेडी है सॉस बना हुआ रखा हुआ है बस आपने फ्राइज बनाने होंगे और टॉपिंग के लिए कुछ भी बना लें आप अच्छा, फ्राइज फ्राइज का भी दोबारा बता दें कि अगर हम पैकेट वाली फ्राइज नहीं लेते ठीक है तो फिर आप आलू जो होता है उसको छील के उसको अच्छे से काट लें सब एक ही उस शेप में और एक ही साइज के हों तो ज़्यादा अच्छा होता है तो फिर सब इक्वली पकते हैं कलर भी एक ही तरह से आता है अब ये गोल्डन हो गया लाइटली हल्का है तो वैसे के वैसे अब मैं नहीं मानूंगी ये गोल्डन है अच्छा वो आपके पास जाली वाला भी तो हल्का सा होता है ना उसे नहीं आप उठा है, सकते वो मेरे पास ना भी नहीं एक तो वो है प्लास्टिक वाला उसमें भी सही उठ जाते हैं नहीं वो असल में प्लास्टिक है ना तो वो तलो पे है पिछले 70 सालों से माँ का भरोसा जो कि आपके खानों को बनाए सेहतमंद और मजेदार तो इस रमजान आप भी लाएं तलो और तलो में बनाए मजे मजे के सेहतमंद खाने ताकि आपके घर वाले और बच्चे भी बोलें अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ इसमें है विटामिन ए और डी जो कि आपके खानों को बख्शे बेहतरीन गिजाइयत वाह वाह क्या बात है क्या बात है थैंक यू बड़ा मुश्किल होता है ये वाला थोड़ा सा इसमें हल्का सा आप जब तक इसको निकाले मैं यहाँ पर सॉल्ट ले लेती हूँ मैं इस तरफ भी आ गई वाह पता नहीं चला वाह शैला अच्छा ये जो आवाज ये क्या कहते आवाज नहीं आती आहिस्ता आहिस्ता जैसे रोजे खोलने वाली तो हमारे पास कुछ हैं ऐसे शरारती लोग जो आवाजें निकालते हैं सायरन की तरह और फिर लोग भूल जाते हैं कि रोजा खोलना है तो हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाई रोजे में भी टाइम है अच्छा, पहले नी मां भी ये जमा पई तई रोजो खुले दो ना वेट कयो यो मजाक से बेर ना इंदो चलिए ये निकल गया ओके और मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया अच्छा वाओ सॉल्टी कर दिया हल्का हल्का सा इतने क्रिस्पी मजे के लग रहे हैं ना वाओ वाओ ठीक है अब इसको तो छोड़ो इसमें से बड़ी मुश्किल से आ रहे थे तो मैंने हनन ता बेचारन बिन के छो छरियो मां छई छरी दम असा कौन छनना से तलो में पकलाएं छो छरियो इसके अंदर डाल देते हैं ओके ठीक है मतलब टिश्यू में जो ओवन जो ऑयल हुयो सो हल्को हल्को सौथी हुयो आई ही थी अलग क्रिस्पी वाओ ठीक है जी क्या बात है मनजा पचल ऐसे नहीं करें ऐसे नहीं करें हमारा नुकसान हो जाएगा हमारे मनजा में बहुत कीमती है अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ बिल्कुल तलो ऐसा जो किचन पार्टनर यहाँ पे जो सॉस बनाया था ओके ये जो बनाया था इन्होंने देखा चपोटलेस 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 ठीक है पहले ये डाल देंगे ओके उसके बाद अच्छा ये अलग से भी आप खा सकते हैं डिप करके खाते ऐसे ही है वाओ कितने लोडेड फ्राइज तैयार थे
यूं डरेगा। वाओ ये तलो में ठह हलाएं तो इलाही खुशबू आ जाए, मजे की जबरदस्त मजेदार सी खुशबू आ रही है मुझे तो मजेदार। रोजे में बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल, और आप जो ना इतनी खतरनाक सी रेसिपियां बनाती हैं और वो हमें खाने का दिल चाहता है अभी हम खा लें। कोई स्पून वगैरह हो तो मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेती, पर खैर इट्स ओके। ये है ना आपके हाथ में स्पून से करें, नहीं करें सभा, नहीं करें सभा, काम नहीं करेगी, नुकसान जरूर करेगी मुझे लग रहा है। थैंक यू सभा। ये इस तरह से जस्ट लाइक अ पिज्जा का लुक दे रहा है ना। हाँ, लोडेड फ्राइज, लोडेड फ्राइज। अगर इसमें हम थोड़ा सा रेड भी कलर ऐड करते तो अच्छा लगता ना। इसमें चीज भी डाल सकते हैं। हाँ जी, तो हम लड़की तुम बड़ी खतरनाक हो, रोजे में हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा रख देते हैं। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, आगे तुम हमें सेहतमंद नहीं बना रही हो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन है, मुझे लग रहा है कि हो गया। बस बस मुनज़ा ने हमें सेहतमंद बना ही दिया, बना ही दिया, और हम वाकई यहाँ से हेल्दी होके जाएंगे, पहले बता देते हैं। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज होती हैं, इतनी मजेदार रेसिपी, कितनी लाइट और जल्दी बन गई। अब आज ये वाली तो ना मैंने अपने वो बैकअप में रखी है, और मैंने इसको रिकॉर्ड से भी देख के फिर दोबारा ऐसा जरूर पकाना हुआ। रेड कलर मैंने डाल दिया आपके कहने पे। अच्छा, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया या हमारी बहनों ने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए एक बार फिर रेसिपी बता दे मुनज़ा। ठीक है, आज हमने बनाए हैं लोडेड फ्राइज, जिसमें हमने आलू ले लिए थे जो कि हमने पैकेट वाले यूज़ किए हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था, तो हमने उसको तलो कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया है और उसको साइड पे कर दिया। फिर उसके हम टॉपिंग्स बनाएंगे। टॉपिंग्स बनाने के लिए हमने चिकन का कीमा लिया था, उसमें टिक्का मसाला ऐड किया है, उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तलो कुकिंग ऑयल के अंदर, उसको पकाएंगे, उसके अंदर डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च, ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, कलर्स सब्जियाँ अपना रखें, इतना करना है। फिर उसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मेयोनीज लिया था, उसके बाद हमने चिपोटले सॉस लिया था, चिली गार्लिक केचप लिया था, इस सबको मिक्स कर लिया थोड़े से सॉल्ट के साथ, और फिर वो हमने एक बॉटल में फिल करके रख लिया। फिर हमने इस तरह से इसकी लेयरिंग कर ली, नीचे फ्राइज रखे हैं, ऊपर से हमने चिपोटले सॉस डाला, फिर चिकन डाली, और फिर ऊपर से और चिपोटले सॉस डाला है। फिर उसके बाद हमने मतलब वो अपने लेयर्स बनाई ना, पहले आपने जो फ्राइज थे उसके ऊपर वो थोड़ी सी लेयर्स बना के, फिर आपने चिकन वाला पूरा जो मसाला बनाया था वो रखा, उसके बाद फिर हल्की सी वो सॉस लगा के, फिर उसके बाद अपने मजे मजे से इसको डेकोरेट किया। अब ये कहाँ छुपा के रखनी, बताइएगा।